मुरादाबाद पुलिस ने दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद पुलिस ने दो गांजा तस्करों को एक क्विंटल गांजे के साथ किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता। जनपद में भारी मात्रा में गांजा किया गया बरामद। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में किया खुलासा। कटघर थाना इलाके के पंडित नगला से की गई गिरफ्तारी। इसी में एसपी सिटी साहब और सीओ कटघर थाना प्रभारी कटघर इनके नेतृत्व में पंडित नंगला रेलवे क्रॉसिंग के आसपास में चेकिंग की जा रही है। एक संदिग्ध गाड़ी नजर आई जो मारुति की SX4 के नाम से एक मॉडल की गाड़ी थी। उसको चेक किया गया तो उसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन वो गाड़ी संदिग्ध थी। तो उसके बाद में पूरी थोड़े भी उसको जब चेक किया गया तो उसकी जो पिछली सीट है उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ मिला और उसको जब पूरा चेक किया गया तो वो एक तरीके से जो गांजा है उसके घर में ये मिला है। और इसको जब पूरा इसको देखा गया तो करीब 1 क्विंटल 2 किलो और करीब 600 ग्राम के आसपास में जो गांजा है उसमें मिला है। दो लोगों को इसमें से गिरफ्तार किया गया। खालिद ये गालिब पुत्र खालिद है जो कि थाना छपोरी जनपद बागपत का रहने वाला है। और जो दूसरे हैं वो चाहत खान पुत्र हरीफ खान है, थाना कैराना जनपद सामने के रहने वाले हैं। और इनके पास से करीब 12,000 के नगद मिले हैं और कुछ इनके पास से कागजात मिले हैं। और उनसे जानकारी की गई तो इनके बारे में बताया गया कि कहीं किसी अन्य प्रांत से वो लोग लेके आए थे और उसको मेरठ लेके जाने के लिए लेकर प्लान था। इसी में इनको चेक करके और उनको गिरफ्तारी सीखी गई, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनका जो पूरा नेटवर्क है इसका भी पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से लेकर चुके हैं, कहाँ से उसको डिलीवर करते हैं, इसकी जानकारी की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो थाना कटघर और सीओ कटघर के बैठे हैं उसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। और ये आगे जाके इसको बड़े जो महंगे दाम होंगे वो ब्लैक में इसको बेचते हैं। सर क्या इस घर में और लोगों की भी संभावना है? अभी फिलहाल तो इससे दो लोगों की जानकारी हुई है और बाकी अगर इसमें कोई और जो चीज़ें जैसे कहाँ से इन्होंने रिसीव किया है और कहाँ पर इनको डिलीवर करना था इसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। अभी फिलहाल इन्होंने दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी कोई इस तरह का कोई इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में जो आज के रेट में जो कीमत है वो करीब 10 लाख रुपये का इसके बारे में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं पूरा, क्योंकि अभी पूरा डिटेल के बारे में नहीं मिल पाया। कल रात्रि में ही इनको चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया। पूरा क्या बैंक अकाउंट की डिटेल है, क्या मोबाइल नंबर की डिटेल है, बाकी जो लोकल थाने से जाने पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पहले भी इस तरह के कोई अपराध नहीं।